पर्यावरण को बचाने के लिए लोग कई तरह के काम करते हैं। ऐसे ही देहरादून के ग्रीन मैन यानी संजय सेन काम करते हैं। वह अब तक कई हजार पेड़ लगा चुके हैं और इसी के साथ ही वह डांस और मॉडलिंग के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए लोग कई तरह के काम करते हैं। ऐसे ही राजधानी देहरादून के एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो अब तक जो है कई हज़ार पेड़ लगा चुके हैं, और इसके अलावा वह कई तरह के कंपटीशन जैसे डांस कंपटीशन, मॉडलिंग शोज़ के माध्यम से जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। और यह है देहरादून के संजय। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी और साथ ही आपसे ये पूछूंगी कि ये आपके दिमाग में आइडिया कब से आया कि हाँ पर्यावरण को बचाना है तो इस तरह का काम करना है। थैंक यू न्यूज़ 18। मैं पहले आपका स्वागत करता हूँ और आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरे को इसलिए चुना कि मैं आपके दो शब्द एक जनता को अवेयरनेस करने के लिए पर्यावरण के लिए दे सकूँ। तो एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से कि पेड़ कटान ज़्यादा हुआ है और पर्यावरण को नुकसान बहुत हुआ है। तो अभी लॉकडाउन में जब देखा ऑक्सीजन की बहुत कमी रही तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऑक्सीजन कमी हमारे सिर्फ एक पेड़ पौधों से आती है, हमें तो हम उनको नुकसान ना करके जितना बढ़ावा दे सकते हैं तो हमें यहाँ पे आने वाली पीढ़ी को, अभी जो हम प्रेजेंटली चल रहा है हमारा, तो उसमें भी एक जीवन की आशा देती है, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा लगेगा। आपने खुद देखा होगा सबसे पहले क्या होता है, हमारी धरती जो है ना, धरती माता हमें बहुत कुछ देती है, नेचर भी बहुत कुछ देता है, तो हमारे फ़र्ज़ होता है कि हम नेचर को भी कुछ ना कुछ तो दें, कम से कम एटलीस्ट हर एक शख्स एक अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाए तो बहुत कुछ कुछ बच सकता है। धरती माता का क्या है, ये नदी नाले नहर जंगल पहाड़, ये धरती माँ का है, तो हम उन आभूषण को उजाड़ करना, हम धरती माँ को सूना कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनके आभूषण को नुकसान ना पहुँचाए और जितना हो सके अपनी धरती माता को और सजाएँ। सजाएँ कैसे, उनके आभूषण पेड़ पौधे जितना हो सके आप लगाइए। आपने देखा होगा पहले सीजनली फ्रूट्स आता था, सीजनली फ्रूट्स आते थे कि हम कि गर्मियों में ही आम आएगा, गर्मियों में मौसमी आएगा, गर्मियों में सब कुछ फ्रूट्स वगैरह आएंगे, लेकिन अब आपको ऑफ सीजनली आम केले सब कुछ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि हम केमिकल यूज़ करते हैं तो अब वो नेचुरल हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो ख़त्म हो चुकी है सारी, बहुत खपत थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ग्रीनरी पूरा होता था। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट के बिल्डिंग्स मॉल्स वगैरह, ये ठीक है विकास करिए आप, लेकिन ऐसा विकास ना करेंगे आप उजाड़ कर विकास करो, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। अगर आप आपका एक वो है कि अब मुझे वहाँ पे डोई वाला पहुँचना है, आप पहले पहुँच जाते थे, चाहे जैसे भी, चाहे एक घंटे पहुँचते थे, दो घंटे पहुँचते, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाते थे। अब उसको कहते हैं कि नहीं अब आप 10 मिनट पहुँच जाएंगे, तो उस 10 मिनट पहुँचने के लिए आपको हजारों पेड़ काटने, लाखों पेड़ काटना पड़ा। बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आपने बताया कि जैसे देहरादून के कई सहधारा की बात कर लें या कई तरह के जो रोड हैं पेड़ों के कटान हुए हैं, पहला ऐसे होता था कि सफ़र भी कहीं ना कहीं सुकून सुखदायक होता था क्योंकि आपके रोड के दोनों साइड जो है हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वो लगे होते थे। संजय जी, आप काफ़ी ज़्यादा, आपका नाम सुना है, ग्रीन मैन के नाम से आपको जानते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ग्रीन मैन ने अब तक कितने जो है पेड़ लगा दिए। बाकी एक ग्रीनरी का एक शख्स जी रहा है कि मैं चाहता हूँ अपने जब तक मैं दुनिया में हूँ तो कुछ ना कुछ मैं हमेशा एक पेड़ लगाता रहूँगा। अभी तक मैं 4,560 पेड़ लगा चुका हूँ। इसी तरह से कोशिश करते रहिए। सर, आपसे ये हमने भी काफ़ी सुना है कि लोगों से कि आप जो है कुछ शोज़ भी करवाते हैं लोगों को जो है जागरूक करने के लिए पर्यावरण के प्रति, किस तरह का ये थीम होता है और किस तरह से करते हैं? त्रासदी हुई थी 2013 में केदारनाथ में, तो मैंने पूरा का पूरा थिएटर उसमें त्रासदी पूरी दिखा दी थी केदारनाथ की, कि कैसे लोगों ने वहाँ पे अपना एक वो ये तो क्या है, वो बहुत धर्म स्थल है वो हमारा केदारनाथ, तो वहाँ पे दर्शन कराने लेके जाते हैं, लेकिन आपने वहाँ पिकनिक स्पॉट बना दिया तो कहीं ना कहीं तो कुदरत तो देखो नाराज़ होता ही है। भोलेनाथ ने अपने थोड़ा सा दिखाया, दुख होता है उस बात को कि बहुत हजारों लाखों लोग वहाँ पे एक वो हो गए थे, तो उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ सबको, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं एक मैसेज दिया था कि आप विकास करो लेकिन ऐसा पहाड़ों झरनों को उनका पहाड़ों का सीना छलनी करके आप विकास करेंगे नहीं, आप नदी नालों को उनका रास्ता रोक के विकास करेंगे नहीं, क्योंकि नदी नाले पहाड़ अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। और उसके लिए क्या होता है, आप ये देखिए कि मतलब मैं भावुक हो गया हूँ कि उस टाइम बहुत लोग मरे थे और मैंने वो थिएटर किया था उस टाइम, तो लोग वहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था यार इतने लोग कैसे मर गए,
तो उसमें भी अपने लोग दोस्त यार भी थे, याद आते हैं। ऐसे ही अपना ग्रीनरी देता रहता हूँ कि अभी मैंने सेव ग्रीननेस के नाम से अपना एक शो चलाया है, तो सीज़न 3 मैं करा चुका हूँ, सीज़न 4 की तैयारी है। अपने अपना एक कर्तव्य निभाएं कि एक पेड़ कम अपने हाथों से अपने आंगन में लगाए। अब आप आंसर उड़े देख लिए, ठीक है आप जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इतना विकास तो नहीं होना चाहिए, आपको बस एक लिमिट के हिसाब से आपको विकास करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी धरती को बचाना है बस। तो संजय जी, जिस तरीके से भावुक हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से आपदाएं आती हैं तो आपदाओं में हमें अपने खोने पड़ते हैं, और इस तरह की आपदाओं का सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे ये पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ, कई तरह से जो है प्रकृति जो है अपना विकराल रूप भी यहाँ पर दिखाती मिलती है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि वृक्षारोपण करें और जो पेड़ हैं उनको जो है बचाया जा सके, और अपने पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखा जा सके। देहरादून से मैं हिना आज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।